है, बहुत ही प्यारा कुक नेट। ये नेट से डैमेज नहीं पड़ा क्योंकि वो लो रिच पे है, लो रिच से वो नेट बाउंस करके और नीचे चला जाता है, उसके कारण बच चुका है। लेकिन रौनक का बहुत ही प्यारा नेट यहाँ पर आ चुका है मैश कैश के ऊपर, मैश कैश यहाँ पर नॉक पड़ा है, रौनक को डैमेज देने की कोशिश। सिनिस्टर्स यहाँ पर ओ आर भी बहुत ही खराब सिचुएशन पे है। तो देख सकते हो स्काउट जो है यहाँ पे थोड़ा फ्लैंक एंगल लेते हुए, यहाँ पे परितोष ने फिनिश कर दिया है मैट डॉग को भी। तो जो लास्ट इनके आखिरी बच्चे हैं सिनिस्टर, तो क्या यहाँ पे कुछ क्लच निकाल पाएंगे? यहाँ पे रौनक का पुश आता हुआ एंड स्काउट को नॉक कर दिया था सिनिस्टर ने, बट यहाँ पे टीम एक्स के नॉकआउट का स्क्वाड इधर एलिमिनेट हो चुका है। एंड गाइस गॉड लाइक के पास अच्छे खासे किल्स हो चुका है, आरआईपी का स्क्वाड सामने एलिमिनेट हो चुका है, गॉड लाइक किल्स निकाल चुका है, ब्रॉलर्स का स्क्वाड जोन के एज पे था वो लोग जोन के अंदर आ जाएगा। एंड इधर पोर्टल स्पोर्ट्स आल्सो गॉट एलिमिनेटेड, गॉड लाइक का स्क्वाड से इधर कीकी नॉक है। एंड टू एंड टीम को बहुत ही दूर जाना पड़ेगा एंड सोल्ड से एजे को उधर क्लियर आउट करते हुए कीकी इधर जोन के बाहर नॉकआउट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया जोन बन चुका है एंड बहुत ही ज्यादा स्क्वाड एवर प्ले जोन में डैमेज करके नॉकआउट हो सकते हैं। अगर जोन की बात करी जाए तो टीम 10 जो है वो हमको परफेक्ट है, एंटिटी गेमिंग और एंटिटी ब्रॉलर्स दोनों टीम्स बची है अभी जोन के अंदर। एंड एंड यहाँ यहाँ पे पर क्लियर परितोष आउट, ने डार्क को फिनिश कर दिया एंड फ्रॉस्ट को भी फिनिश कर दिया। इसी के साथ टीम एंटिटी ईटीजी ब्रॉलर्स जो है वो वाइप आउट हो चुके हैं ऑन द फिफ्थ स्पॉट। अगर यहाँ पे बात करी एंड जाए तो यहाँ पर हाई ग्राउंड से स्वैग तो ने जोनाथन नॉकआउट के थोड़ा सा स्प्रे आते हुए एंड जोनाथन को नॉक करने की कोशिश करेंगे एंड एमएक्स का खत्म। स्वैग, एंड यहाँ पे एंटिटी पूरी वाइप आउट हो चुकी है। मेगा एक से स्वैग का बहुत ही प्यारा स्पेस था वी कैश के ऊपर, लेकिन पीछे से इधर नॉकआउट कर चुका है। इन कोड अपने टीम से बंदर जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, नेक्स्ट जोन इधर चेंज हो चुका है सॉल्टी के पास, सामने मेगा एक से एक बंदा नॉक है। तो वह इधर हम लोग 3v3v3 सिचुएशन पे है, लेकिन मेगा एक से एक बंदा नॉक है। ओएस का ये नेट अगर कनेक्ट होता है पूरा मेगा एक्स का स्क्वाड वहां पर एलिमिनेट हो सकता है। नेट कनेक्ट नहीं हुआ, एक और नेट करने की कोशिश। एंड अगर आप देख पाओगे ओएस ने इधर अपना बैग गिरा दिया जो बहुत ही सही डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनिंग का है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ये देख सकते हो ओवेस ने भी अपने लिए एक सप्रेसर, जिस चीज की मैंने बात करी थी वो ले रखा है, तो काफी इंटेलिजेंट जो गेम प्ले आता हुआ टीम स्पार्क की रौनक तरफ ने से। एंड इधर यहाँ पे रौनक ने स्वैग और एनकोर को नॉक करके थिंक उनको फिनिश भी कर दिया जो है। 3v3 पे इधर आ चुका है सॉल्टी वर्सेस टीम स्पार्क, टीम स्पार्क ने अच्छे खासे किल्स निकाल चुका है, आई थिंक 12 या 13 किल है। रौनक ने पूरा राइट से फ्लैंक मारने की कोशिश, वे से अपने टीम से वो इधर थोड़ा लूट कर रहा है, ही इज गोइंग फॉर द लूट, क्योंकि अगर क्या सीन पता चले कि फहील बैटल भी अगर करना पड़े तो लूट तो मांगता है, तो उसने वो लूट किया एंड फिर से बैक फेल दिया। तो ज्यादा लूट ज्यादा नहीं किया है, उधर नीमा को थोड़ा डैमेज दिया गया है, 3v3 सिचुएशन है। इधर वी कैश का बहुत ही प्यारा नेट ले नॉक इधर, लेकिन वी कैश ने उससे पहले एक परितोष को भी नॉक आउट कर दिया था। तो इधर 2v2 भी है, लेकिन रौनक रौनक ने इधर बहुत ही प्यारा फ्लैग मारा है रुचिन, एंड इधर टीम रुचिन यहां पर उठ चुके हैं एंड रौनक यहां पर उसके ऊपर डैमेज देने की कोशिश। रौनक का इधर बहुत ही प्यारा स्प्रे आते हुए रौनक ने एक को नॉकआउट कर चुका है, लास्ट बंदा है। एंड स्पार्क ने इधर बहुत ही प्यारा मैच क्रिकेट चिकन डिनर ले चुका है, बहुत ही अच्छे केस निकाले। Definitely, definitely.